तो आज हम बनाएंगे मैंगो करी, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कच्चा आम ले लिया जिसे छिलके छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने पैन ले लिया और सबसे पहले हम ये आम को डाल देंगे। एक ग्लास पानी, 1 टेबल स्पून नमक, 2/3 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और अब हम आम को पकने देंगे। तो यहाँ पे हम आम को पकने देते हैं और दूसरी तरफ इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी जार ले लिया है और अब हम इसमें 1 कप ये कोकोनट डाल देंगे। एक प्याज जिसे रफली चॉप कर लिया है, 1/2 टेबल स्पून क्यूमिन सीड्स और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे मैं 1/2 कप थोड़ा पानी डाल रही हूँ, फिर इसे हम पेस्ट बना लेंगे। तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और अब हम करी को भी चेक कर लेते हैं। और अब 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, हमारा आम जो है थोड़ा पक चुका है और अब हम इसमें नारियल और प्याज का जो हमने पेस्ट बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे। मैं थोड़ा पानी डाल के इसे और डाल रही हूँ मैं और हम इसे 10 मिनट्स के लिए और पकने देंगे। और अब 10 मिनट्स हो चुके हैं, जो प्याज का कच्चापन है वो चला गया होगा और अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने तड़का पैन ले लिया और हम इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, हम इसमें 1/2 टेबल स्पून मस्टर्ड सीड्स डाल देंगे, 1/4 टेबल स्पून क्यूमिन सीड्स, 2 रेड चिलीज, 15-20 करी और अब तड़का थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, हम इसमें 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। और अब हम तड़के को मैंगो करी में डाल देंगे। हम इसे मिक्स कर लेंगे। और अब ये मिक्स हो चुका है और हमारा मैंगो करी बिल्कुल तैयार है।